हेलो फ्रेंड्स, पंक्चुएशन मार्क्स की वीडियो नंबर 5 में मैं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोटेशन मार्क्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कोटेशन मार्क्स में क्या है। और उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोटेशन मार्क्स को हम स्पीच मार्क्स भी कहते हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। डबल इन्वर्टेड कॉमास ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे गोल और गोल फिर नीचे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ऊपर गोल फिर नीचे, सॉरी नीचे गोल और फिर ऊपर गोल फिर नीचे, ऐसे बनाया जाता है। सेंटेंसों के माध्यम से आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ही सेड आई एम योर बेस्ट ब्रदर। ही सेड, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस। ही सेड, उसने कहा, आई एम योर बेस्ट ब्रदर, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा भाई हूँ। यहाँ पर एक ये पूरी बात जो उसने जैसा कहा, जिसने उसने कहा, इसने जैसा कहा, इसको एग्जैक्ट यहाँ पर रख दिया गया। इस चीज को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाते हैं, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर लगाते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा हुआ। ये जो फुल स्टॉप लगा है, ये यूएस में लगता है कोटेशन मार्क्स के अंदर, और ये यूके में। अपने यहाँ पर ज़्यादातर सही यही माना जाता है, इसलिए आप इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई इज माई फेवरेट लेटर। आप जानते हैं कि आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आई को एक लेटर की तरह रखा गया है कि ये मेरा पसंदीदा अक्षर है। सिर्फ इसको बताने के लिए यहाँ पर कोटेशन मार्क्स को लगाया गया है, आई को कोटेशन मार्क्स के अंदर किया गया है। आई इज माई फेवरेट लेटर। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 इज माई फेवरेट नंबर, 6 इज माई फेवरेट नंबर्स, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कोटेशन मार्क्स के अंदर। आई मेरा सबसे पसंदीदा अक्षर है। इसे देखिए, आई लाइक यू, ये आई लाइक यू कंप्लीटली पूरा सेंटेंस है। ये इसे अलग रखा गया, आई लाइक यू। यहाँ पर मैंने इसका हिंदी में भी यही लिखा है, आई लाइक यू, ताकि आप समझ सके। आई लाइक यू ये पूरा कंप्लीटली सेंटेंस है। उसके बाद लिखा गया इज माय फेवरेट सेंटेंस, यानी कि मेरा पसंदीदा वाक्य है। कौन सा? आई लाइक यू, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये एक वाक्य है मेरा पसंदीदा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रणनीति इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। ये एक ऐसा वाक्य है जो उच्चारण करने में कठिन है। इसका उच्चारण लिख देते हैं, स्ट्रेटेजिक
इजी ऐसे। तो स्ट्रेटेजिक इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। यहां पर इसे भी देखिए कि कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है, क्योंकि ये अलग है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव टू गो एंड, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है। फिर एंड आई गॉट टू गो, इसे भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है। देखिए आगे, हैव द सेम मीनिंग, मतलब क्या बताया गया, आई हैव टू गो एंड आई गॉट टू गो हैव द सेम मीनिंग, मतलब इसका भी मतलब यही है मुझे जाना है, और इसका भी मतलब यही है मुझे जाना है। दोनों तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग सेंटेंस हैं, तो इसलिए दोनों को कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया है। इसे देखिए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ओ एफ टी ई एन, उसने मुझसे पूछा, क्या कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड, क्या आप इस शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, कौन सा ओ एफ टी ई एन, जिसका मतलब होता है अक्सर। ये कई लोग इसे ऑफन बोलते हैं, कई लोग इसे ऑफ्टन भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड ऑफन ही है, आप इसे ऑफन ही बोला करिए। ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ऑफन, इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया, यहां पर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा हुआ है, यानी कि जब भी कभी ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है और उसमें कोटेशन मार्क्स के अंदर भी कोई ऐसी बात होती है जो अलग से उसमें रखी जाती है, तो वो चीज सिंगल, यानी कि वो स्पेलिंग या वो कोई भी वस्तु का नाम, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। जैसे he asked me, ये तो अलग हो गया, can you pronounce the word, ये भी अलग हो गया, क्या कौन सा वर्ड है o f t e n, तो इसे भी अलग रखा गया, बिल्कुल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, और टोटल भी लिखा गया पूरा ये कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो ये बिल्कुल अलग है। यहां पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं तो भी सही माना जाएगा, आई के बाद, यहां पर भी सिंगल का प्रयोग करते हैं तो भी सही माना जाएगा, यहां पर भी सिंगल का प्रयोग करते हैं तो भी सही माना जाएगा। He said, I am your best brother. उसने कहा, he said, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा भाई हूं। ये एक कंप्लीटली बात है, इसलिए इसको अलग से कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया। आई इज माई फेवरेट लेटर, आई के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई एक ऐसा लेटर है जो मेरा सबसे पसंदीदा है, तो आई को कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया। आई लाइक यू, ये एक कंप्लीटली सेंटेंस है और इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया। इज माई फेवरेट सेंटेंस, मेरा पसंदीदा वाक्य है। स्ट्रेटेजिक इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, यहाँ पर इस वर्ड के बारे में बात हो रही है,
इसलिए इसे अलग बिल्कुल रखा गया है कोटेशन मार्क्स के अंदर। आई हैव टू गो एंड आई गॉट टू गो हैव द सेम मीनिंग। मुझे जाना है, मुझे जाना है, दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों एक एक सेंटेंस है, इसलिए इन्हें कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया। ही आस्क्ड मी कॉमा कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ऑफन। ये यहां पर वर्ड अलग है इसलिए इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।